हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो फिर से यार एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं नहा धो के ना बस जस्ट नीचे धूप से करा था, और वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि ठंडे के मौसम में यार नहा धो के जो धूप सेकने का मजा है ना भाई, वो कहीं नहीं भाई, कंबल के अंदर भी नहीं है। और देखो अभी मम्मी जो है पूजा करके आ चुकी है, और छठ पूजा का बहुत लोगों का प्रसाद भी आया। तो भैया वही सब खाते खाते तो पूरा पेट दर्द करने लगा, ज़्यादातर खा जाओगे तो भाई पेट दर्द करेगा ही करेगा। ठीक है, मम्मी भी गई थी मौसी के घर छठ पूजा में, प्रसाद लेके आ चुकी है। ले थोड़ा सा प्रसाद, ले देखो जलवा कौन सी जला। जले तो चलो यार, आज ना मेरे को कहीं जाना भी पड़ेगा क्योंकि एक काम है, छोटा सा काम, मैं भी वो अभी आप लोगों को एक ब्लॉग में दिखाऊंगा। चलो फटाफट खाते हैं। उसके बाद खाना वाना सब कुछ हो चुका है, खाना वाना खा के बस इस घर पे आए, और ये अपना डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा था। देखो ये रहा एप्लीकेशन, ठीक है ये रहा एप्लीकेशन, वार्ड से मैंने अपना वार्ड से साइन मोहर करवाया है, और यहाँ ये रहा गाइस दूसरा एप्लीकेशन। ठीक है, ये सब जाने के बाद ना वहां पे जाके ब्लॉक में जाके अनुमंडल में जाके एफिडेविट करवाना पड़ेगा डुमरी में, उसके बाद थाना पे जाना पड़ेगा, थाना से वेरीफाई करवा के उसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा मैं आप लोग को ब्लॉग दिखाऊंगा। और चलो देखते हैं आज कितना ज्यादा झेलना पड़ता है, क्या क्या करने के लिए, वो सब मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा। और पता नहीं अभी मैं अकेले जाने वाला है या फिर कोई और जाने वाला है, इसका गारंटी तो पता नहीं, कोई जाएगा तो लेके जाएंगे या फिर अकेले ही जाना पड़ेगा। तो चलो गाड़ी वाड़ी निकालते हैं और सीधे कसर निकलते हैं, क्योंकि भाई 10:30 बज चुके हैं, और वहां मैं ना क्या है ना, जल्दी जल्दी जितना जल्दी काम खत्म करोगे ना उतना अच्छा है। हमारे साथ जो है मेरा दोस्त आया है मुंबई से कमा के आया, तो बोला चलो मेरे को लेके चलो और उधर पार्टी वार्टी पूरा कराऊंगा तुमको। तो इसको लेके आया और ये एफिडेविट हो चुका है, जरा दिखा दे। और ये रहा गाइस हमारा अनुमंडल, वो देख रहे हो अनुमंडल पीछे। तो यार एफिडेविट तो बनवा लिया हूँ, अब जा रहा हूँ थाना। थाना में पता नहीं कितना लेट लगेगा, यहाँ पे तो 10 मिनट में काम हो गया, अब थाने में देखते क्या सीन रहता है भाई। वहाँ पे भी कुछ यार देना ही पड़ेगा लगता है, जो है ना लोचा हो चुका है, साला काम बना नहीं। अब जा रहा हूँ फिर से साइन मोहर करवाना पड़ेगा मुखिया जी से, वार्ड से करवाया था बट वार्ड से काम नहीं बना। क्या ना भाई एप्लीकेशन ही गलत लिख डाला है साला, बोल रहा है सीधा सीधा शॉर्टकट में लिख के, लॉन्ग कट में नहीं शॉर्टकट में, तो वहीं जाना है। फिर से जाऊंगा, देखते हैं अगर आ जाऊंगा या फिर कल आना पड़ेगा, कल करवा के फिर चल जाना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ सीन हो रखा है। तो देखते हैं क्या सीन रहता है, नहीं रहता है। कौन सी काम करूँ सर? अभी ये बैंक में KYC का फॉर्म लेगा, इसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा माल पानी है। तो भाई साहब मार्केट वार्केट भी कर लिया है, सब्जी वब्जी भी ले लिया है। लिया यार गोभी गाइस, फुल गोभी 80 रुपये किलो दे रहा था तो आधा किलो लिया उसको, टमाटर भी आधा किलो, धनिया पत्ता भी, एक दिन हो जाएगा। और इसने भी सेम लिया यार, इसकी वाइफ खाना बनाएगी, इसने भी सेम लिया। तो भाई भाई जो भी है ना, कल शायद ना जो जो फॉर्म है ना थाने पे जमा करना है, मेरे ख्याल से लगता है कल ही होगा। क्या सब कल आएगा ना? कल आऊंगा, जो भी होगा तो कल ही बनने वाला है, ये सब फॉर्म वॉर्म जमा होने वाला है, क्योंकि भाई आज जो है ना रिजेक्ट हो चुका है, फिर से कल आना पड़ेगा। मैं भी जा रहा हूँ, और आज नेक्स्ट डे है, कल भाई काम बना ही नहीं था, आज मैं सब कुछ लेके जा रहा हूँ, देखते हैं आज भाई काम बनता है। तो फाइनली गाइस आज अकेला आया था और अकेला आज काम हो चुका है, और भाई सब कुछ काम वाम जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना सारे के सारे जमा कर दिए, अभी जा रहा हूँ सीधा का सीधा घर। और आया था अभी 5 मिनट हुए थे, और आज सिर्फ जमा ही करना था क्योंकि कल जो है ना एप्लीकेशन गलत हो गया था, इस वजह से लिखना था, प्रमाणित करना था कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैंने लिख दिया था थाना प्रभारी के नाम पे, इस वजह से। तो अभी फटाफट चलते हैं घर, और घर के जाकर ना वीडियो एडिटिंग कर रहा है दूसरे चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन से उसमें वीडियो में आया नहीं है। ठीक है, तो चलो सीधा का सीधा घर पर। भाई सारा का सारा वेरिफिकेशन करवा के थाने से मैं घर आ चुका हूँ, और भाई थोड़ा सर्दी बुखार जैसा लग रहा है, इस कारण से ब्लॉग व्लॉग अच्छे से नहीं आ पा रहा है, और शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि यार सर्दी में ना अजीब टाइप का एकदम आवाज़ निकलता है, और यहाँ पे क्या बहुत ही ज़्यादा एकदम दर्द भी करता है जब मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो बस यार ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जो बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय और लव यू बाय सब लोग, और चलो बाय।